प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने पहली वंदे भारत ट्रेन जो केरल को मिल रही है उसको हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर हैं, उन्होंने पहले रोड शो किया और इसके बाद पहली केरल की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अलग अलग राज्यों में यह खास ट्रेन जनता को समर्पित की जा रही है। इससे पहले केरल में तिरुवनंतपुरम में जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे तो बड़ी तादाद में जनता वहां पहुंची थी, पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की गई है। ये 14वीं वंदे भारत ट्रेन है जो कि केरल को मिल रही है। अलग अलग राज्यों में इस ट्रेन की काफी डिमांड है। बेहतरीन सुख सुविधाओं से लैस ये ट्रेन, गाड़ी की रफ्तार काफी बेहतरीन होती है। बेहद खास तरीके से, स्वदेशी तरीके से तैनात तैयार की जा रही है वंदे भारत ट्रेन। वो लोगों और से मिले और उसके ये देख सकते हैं आप किस तरह से पीएम जब स्टेशन पर पहुंचे हैं विशेष तैयारियां की गई हैं। पीएम पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। कंट्री ऑफ गॉड के नाम से मशहूर केरल, जहां की प्राकृतिक छटाएं देखने ही बनती है और पीएम जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने बच्चों से बातचीत की है। बच्चों से कॉन्वर्सेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। Zee News।